दोस्तों, NFC के बारे में तो आप सबने शायद आपने कभी सुना होगा, या आपने कहीं पे देखा होगा किसी स्पीकर पे, या फिर किसी फ़ोन के पीछे देखा होगा आपने, या फिर इंटरनेट पे पढ़ा होगा NFC के बारे में। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि NFC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अभी जो इसके नाम से पता चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पास में जो कांटेक्ट होते हैं उनके साथ ही कम्युनिकेशन करता है। मतलब कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी मान लीजिए मेरे पास ये दो फ़ोन है जिसमें दोनों में NFC है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर हमें इसमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हमें इसको इतना पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 4 से 5 सेंटीमीटर, सिर्फ मैक्सिमम 4 से 5 सेंटीमीटर, और मिनिमम आपको फ़ोन को बिल्कुल ऐसे टच करके रखना पड़ेगा कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बैटरी भी सेव करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होती तो वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेविंग होता है आपका। और अगर हम लोग बात करें कि इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले आता है डेटा ट्रांसफ़र। यानी कि आपको अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है अपने एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में, जिसमें कि आपको पहले पेयरिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए आप किसी ब्लूटूथ से कर रहे हैं या किसी आप शेयर इट वगैरह से कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेयरिंग करनी पड़ती है, कोई वाईफाई ऑन करना है, ब्लूटूथ ऑन करना, हॉटस्पॉट ऑन करना, कितनी सारी प्रोसेस होती हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस बैठ जाता है। पर अगर हम बात करें NFC की, तो NFC में ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको आपके दो फ़ोन हैं उनको साथ में टैप मतलब टच करके रखना है ऐसे करके, और आपको सिर्फ यहाँ पे एक टैप करना है और वो फाइल आपकी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी बहुत जल्दी, बहुत मतलब कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ऐसे करके ये काम करता है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें आप हमारे सेकेंड पॉइंट की, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आपका पेयरिंग, क्योंकि इसमें पेयरिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है, मतलब होती है, पर उसमें उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपको बहुत लंबे लंबे प्रोसेस करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को पेयर करने के लिए, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ब्लूटूथ ऑन करो, वाईफाई ऑन करो, हॉटस्पॉट ऑन करो, वो सब चीज़ें, वो सब झंझट फालतू का। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि आपको सिर्फ टैप करना है, ठीक है, या फिर उस चीज़ के ऊपर उसे रख देना है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ब्लूटूथ स्पीकर आपके पास, अभी आपको उससे अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, तो अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू करेंगे तो आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा सेटिंग में जाके, फिर वहाँ से सर्च करना पड़ेगा, फिर पेयर करना पड़ेगा। और मान लीजिए कभी कभी वो ऑटो पेयर ना हो तो उसमें कभी कभी कोड्स भी डालने पड़ते हैं मैन्युअली, तो उस टाइम पे उसे कनेक्ट करो, फिर वो कनेक्ट होता है, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए अभी हमें कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट करना है उस ब्लूटूथ से, तो अभी पहले हमें पहले वाले फ़ोन को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे फ़ोन से वही सेम प्रोसेस लंबी सी, तो बहुत सारा झंझट वाला काम है। और मान लीजिए आपके स्पीकर में अगर NFC है, तो मान लीजिए आपका स्पीकर है और आपका फ़ोन है, और आपको इस फ़ोन को ऐसे करके सिर्फ रखना है इसके ऊपर, ठीक है, और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पेयरिंग प्रोसेस कितनी ज़्यादा सिंपल और कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये इसका पेयरिंग प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे इसमें मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट में वो वाले मोबाइल पेमेंट की बात नहीं कर रहा जो आजकल चल रहा है, मतलब कि QR कोड स्कैन करने वाला, वो चीज़ अलग है, और ये NFC वाला सीन अलग है। मतलब कि इसमें मान लीजिए जो आप देखा होगा आपने, जैसे आपने कहीं पर शॉपिंग की और वहाँ पर पेमेंट टर्मिनल होते हैं जिसके अंदर अपना कार्ड स्वाइप करते हैं आप, ठीक है। तो उस पेमेंट टर्मिनल में अगर NFC का फीचर दिया है, तो मान लीजिए जैसे आपका पेमेंट टर्मिनल है, ठीक है, अभी इसमें अगर NFC का फीचर है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपका फ़ोन है जिसमें कि आपने अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेव किया हुआ, उसके डिटेल सेव की हुई हैं, उसमें डेटा है, ठीक है, तो उसको आपको सिर्फ ऐसे टैप करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीका है पेमेंट करने का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टैप करना होता है अपने फ़ोन से और पेमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका NFC टैग्स। यानी कि हम बोल सकते हैं जो छोटे छोटे कार्ड्स टाइप होते हैं, मतलब स्टिकर टाइप होते हैं वो, ठीक है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका राउंड हो या फिर स्क्वायर शेप में हो, कैसी अलग शेप में हो, मोस्टली वो राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो भी NFC पे ही काम करते हैं, उसके अंदर NFC चिप होती है। तो वो कैसे काम करता है आपका, अभी मान लीजिए हमारे पास एक टैग है NFC टैग, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई डेटा स्टोर किया, कोई भी छोटा सा एक नोट डाल दिया हमने, मान लो हमें कोई नोट लिखा हमने, वो उसके अंदर हमने सेव कर दिया और हमने उसे घर पे लगा दिया। अभी हम चाहते हैं कोई दूसरा मेंबर आए और ये मान लीजिए आपका टैग है, इसके ऊपर वह अपना फ़ोन टैप करे और उसे वो
जो डेटा है वो मिल जाए या फिर वो नोट है वो उसे मिल जाए, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा, बस उसे कुछ नहीं करना, उससे उसे बस टैप करना है उस पर और उसे वो डेटा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, इसमें और भी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका होम वाईफाई, आप उसमें अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं इस टैग के अंदर, ठीक है, होम वाईफाई का। अभी मान लीजिए कि आपने अपने जो होम वाईफाई का पासवर्ड है उसमें सेव कर दिया और उस टैग को आपने लगा दिया कहीं भी किसी वॉल पे किसी भी जगह पे। मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट आते हैं या फिर आपका फ्रेंड आता है कोई, जिन्हें आपको पासवर्ड नहीं बताना पर आप चाहते हो कि आपका वो वाईफाई यूज़ कर लें, मतलब कि उन्होंने बोला कि हमें आपका वाईफाई यूज़ करना है और आपने कहा ठीक है कर लो, तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको बोलना है कि जो आपका टैग है सामने उसके अपना फ़ोन टैप करो और आपका पासवर्ड उसमें एंटर हो जाएगा और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। वो पासवर्ड उन्हें दिखाई नहीं देगा पर वो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जिसमें आपको कुछ बताना भी नहीं पड़ा और वो हो भी गया। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीका ये अपने होम वाईफाई के पासवर्ड को सिक्योर करने का, या फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो सकता है ये। तो आपने देखा कि जो टैग्स हैं कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। अभी हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि फिफ्थ पॉइंट हमारा, उसमें आते हैं हमारे NFC बिजनेस कार्ड। यानी कि आपने देखे होंगे बिजनेस कार्ड होते हैं काफ़ी सारे लोगों के पास, लोग अपने बिजनेस कार्ड बनवाते हैं अपनी डिटेल देने के लिए। तो ऐसे ही वो कुछ लोग बनवाते हैं ऐसे बिजनेस कार्ड जिनके अंदर NFC चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। वो कैसे काम करता है आपका, अब मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस कार्ड है आप उस कार्ड के ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाह रहे। मान लीजिए कि आपको लगता है कि अगर मैं इस पर ज़्यादा डिटेल दूंगा बहुत सारी डिटेल हो जाएंगे इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा हॉचपॉच लगेगा, गंदा लगेगा वो, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिनिमल रहे पर इसकी डिटेल सारी होनी चाहिए इसके अंदर। तो आप क्या करते हैं उसमें, आप जो उसमें NFC चिप लगी है उसके अंदर आप सारा डाटा स्टोर कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका बिजनेस कार्ड है, इसके अंदर आपके NFC चिप है, तो अगर आप इसे किसी को देते हैं तो उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ अपने फ़ोन के साथ ऐसे अटैच करना है इसे। इस तरीके से उस दूसरे इंसान के फ़ोन में आपका एक कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो आप देना चाहते हैं, या फिर कोई फ़ोटो पे हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ें आपके उस बिजनेस कार्ड के थ्रू आपके उस दूसरे पर्सन को मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा की, तो एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग कार्ड्स होते हैं यानी कि आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें कुछ कुछ पे NFC का फीचर दिया होता है, मतलब उसके अंदर NFC चिप होती है जिसके थ्रू जो आपका पेमेंट टर्मिनल होता है, ठीक है, ये आपका पेमेंट टर्मिनल है, आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट करते टाइम अपने कार्ड को लाना है जो आपका NFC इनेबल्ड है, उसमें बस ऐसे टैप करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये जो आपका NFC वाला फीचर है ये आपके ऑलमोस्ट हर एक फ़ोन में होता है, मतलब कि जो पहले फ़ोन्स आते थे आपने देखा होगा जो रिमूवेबल बैक होती थी उनकी, उसमें दो पिन लगी होती थी, वो दो पिन मोस्टली इसी की होती थी, जो NFC चिप लगी होती थी उसकी दो पिन लगी होती थी उसके अंदर, ठीक है। उससे वो पिन कनेक्ट होती थी आपके फ़ोन से जो कि उसको पावर दे सके और ऐसे वो काम करता था। पर अभी आपके सब ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में पहले से इनेबल होता है, पहले से इसकी चिप लगी होती है। जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो अभी अगर हम बोलें कि कुछ टाइम पहले के या कुछ लेटेस्ट फ़ोन्स में हम बोल सकते हैं कि वो है, मतलब अभी तो सभी फ़ोन्स में है जो अभी के कुछ टाइम के फ़ोन हैं, पर अगर कोई आपका पुराना मॉडल है तो उसमें मुश्किल है कि उसके अंदर NFC हो, पर अभी के ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में आपको NFC देखने को मिलता है। प्लस अगर हम बात करें आईफोन्स की, तो आईफोन्स के जितने मॉडल हैं सबके अंदर आपको NFC देखने को मिलता है, सबके अंदर NFC पहले से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि NFC क्या है, उसके क्या यूज़ हैं या फिर वो कैसे काम करता है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।